राजनांदगांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से सोना चांदी के जेवरात, बाइक, हथियार और लाखों रुपए का सामान भी जब्त किया है। राजनांदगांव पुलिस ने अलग अलग जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में 25 जून को गश्त के दौरान पुलिस को सुनसान इलाके में 6 लोग संदिग्ध हालत में मिले। पूछताछ के लिए सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां आरोपियों ने डकैती और चोरी की वारदात का खुलासा किया। आरोपी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित आसपास के जिले और राज्यों में चोरी डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। इस मामले में खास बात यह है कि सभी आरोपी फेरी लगाकर बर्तन बेचने का काम करते थे। इसी दौरान चोरी करने के लिए मकानों की रेकी की जाती थी। आरोपियों के कब्जे से 6,56,000 रुपए के सामान जब्त किया गया है। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के रहने वाले हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल हमारा की तरफ से बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें डकैती का प्रयास करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 डकैत और साथ में उनका जो सामान पार करने के लिए मदद करने वाला जो अनूपपुर का एक ज्वेलर भी मिला है। इन सातों को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में सोना और चांदी के जेवरात, इनके पास से बाइक और चोरी डकैती में इस्तेमाल किए जाने वाले इनके औजार मिले हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।